हेलो एवरीवन, तो कौन सी सब्जी पसंद करते हैं आप? और हम बनाने वाले हैं आज आलू मटर की सब्जी। वैसे तो ये हमेशा ही खाई जाती है, हर वक्त आप इसे बना सकते हैं, बट ठंडियों में तो इसका मज़ा ही कुछ अलग है खाने का। तो चलिए आज मेरे तरीके से बना लेते हैं आलू मटर की सब्जी। इसके लिए पहले तो हमने ले लिया है कुकर में 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और ये ले लिए हमने बेबी पोटैटोस। तो इन्हें हमने अच्छी तरह से छील कर धो लिया है। इसके बाद इसे हमने गरम तेल में मीडियम फ्लेम पर भून लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे आधा कप के करीब हमने ले लिए मटर, ये फ्रेश मटर है। इसे भी हम इसके साथ ही भून लेंगे, जिससे जितना अच्छा हम इन्हें भूनेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, और इसे भी आप अच्छी तरह से मिलाते हुए हम तकरीबन 30 सेकेंड के लिए भून लेंगे। तो ये अच्छे से मिल गया है और भून गया है। इसके बाद हम लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर मिलाकर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस सब्जी को जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा इसमें टेस्ट आएगा, और आप मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनें। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे हम 1 गिलास भरकर पानी, और अब हमें इसकी कुकर की लीड लगाकर इसे कर देना है बंद, और हाई फ्लेम पर हमने ले लेनी है 3 सीटी। इसके बाद हमने मिक्सर ग्राइंडर जार में 1 मीडियम साइज का टमाटर, 2 हरी मिर्च और जिंजर गार्लिक ऐड करके इसे पीस के एक साइड रख दिया है। देखिए हमारे कुकर में से भी गैस निकल गई है। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है और कितना परफेक्ट बना हुआ है। इसके बाद अब हमने जो पेस्ट बना के रखा हुआ था टमाटर का, उसे इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा उसी में पानी ऐड कर देंगे, और इसे कर देंगे हम मिक्स। इसके बाद इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट पर हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से पका लेंगे कवर करके। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मैगी मसाला। मैगी का मैजिक मसाला ऐड करने के बाद इसमें जो टेस्ट आता है बिल्कुल वाव परफेक्ट देता है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया, हरे धनिया, जो कि इसका टेस्ट बिल्कुल दुगना कर देती है। इसके बाद ये लीजिए हमारे आलू मटर की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हमने बनाया है बिना प्याज ऐड किए हुए, ये बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनती है ये। तो चलिए इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर और इसका कलर कितना अच्छा आया हुआ है। इसे हमने कुकर में बनाया हुआ है, तो इसे कुछ अलग तरीके से मैंने बनाया था, आप भी इस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था इसका। तो आप इस तरीके से ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। तो इस तरीके से तो बनाना बनता है। और अभी सर्दियों में बहुत अच्छी मटर आ रही है, तो एक बार इस तरीके से फ्रेश मटर से इस आलू मटर को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक और उसमें कमेंट ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।